ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਡਾਵਾਂਗੀ जरूर छुड़ावांगी पता नहीं उस सालम उदे ते की सुलम कर रहे होंगे इंग्लिस्तान जा रहा है शहबाज खान और इसी वास्ते तुमको इधर मिलने के लिए आया बड़ी मेहरबानी साहब बादल ओके ओके हमने तुमको इस पूरा इलाका का खुद मुख्तार बनाया शहबाज खान और तुम्हारा कभी किसी काम में दखल नहीं दिया लेकिन हम ये देखकर हैरान होता है कई सालों से तुम ये जुलूस निकाल रहा है लेकिन तुम्हारा ये कैदी बहुत जिद्दी और हट धर्म है ये जवानी से बुढ़ापा तक तो पहुंच गया है लेकिन इसका जिद अभी जवान है शहबाज खान क्या हम ये समझ लें तुम्हारा ताकत तुम्हारा दहशत सब कुछ इसके सामने हार गया है मैं हार नहीं मन्नी साहब बादर मेरा हौसला ते वेख हर साल नवी बोटी का खून चुकन वाला शहबाज खां कई साल तो इस सिरू तरसी है पर इस जालम नू मेरे ते जरा तरस नहीं आ रहा इन्हें अपनी निक्की जी सिद्ध पहाड़ बना दिता है मेरा भी अटल फैसला साहब बादर मैं विआह उदो ही करांगा जदों अपने हत्था नाल मेरे सिर ते सेहा बनेगा इसका बात मान क्यों नहीं लेता जमान क्यों अपना जान का दुश्मन बन गया है सिर छोड़ दो और हमारा दोस्त के सर पर सेरा बांध दो हम तुमको इससे माफी लेकर देगा बोलो जमान जवाब दो जमान हम हुक्म देते हैं कि बोलो
लगता है हर साल वो ताडे जिद्दी कैदी ने आज भी अपनी जिद नहीं छड़ी। ए साल भी तुसी नवी वोटी ले सेरे नहीं बन सके। भला हुए उस कैदी था जिदी जिद ने आज तक मेरे सिर ते सौकन नहीं आन दिती। मैं तो फिर भी यही कहनी हाँ कि उन्हें आजाद कर दो। वरिया बाद वो भी अपने बीवी बच्चा की जान मिले। खबरें रब ऐसे ही पाने ताड़े गुनाह ते जुल्म माफ कर दे। तेरी जबान कोई चाय चले लग पाई। आज तो बाद मेरे किसी काम ही तरह देनी चल न करी। बीबी जी तुसी कद तक अपने सीने के जख्म लुकाते रहोगे? तुहाडा पुत्र जवान हो गया, तुसी उन्हें दस क्यों नहीं देंदे कि उहदा बाप जगीरदार शहबाज खान की कैद च? मैनूं यकीन है बीबी जी तुहाडा हीरा पुत्र सूरज डुबन तो पहले पहले अपने बाप नूं जगीरदार शहबाज खान की कैद चों छुड़ा लिया होगा। ये तो सब ठीक है मौला बख्शा, पर इस मामता दा की करां? जड़ी पुत्र की जवानी वेख के डोल गई है। मैं ते हाली आप ही फैसला नहीं कर सकी कि सुहाग बचाने लिए पुत्र नूं मौत दे वल टोर दिया या अपने जख्मां दा मुंह हमेशा लिए बंद कर दिया। तैनूं की पता वाला बख्शा, हीरा चंद कड़ियां लिए करों बाहर जांदा है ते मेरा दिल डोलन लग पैंदा है। फिर मैं ते उस थां दी भी खैर मंगनी हाँ जिस थां ते मेरा पुत्र पैर पांदा है। कौन जवानो तुसी ते साडा पेंडा क्यों बेखोटा कर दे हो? हीरिया ए बंदे मैनू को पेंडू कारपोरेशन आले लगदे ने। ए रस्ता चौधरी हाकम दे पिंड चो गुजरदा है। एथो गुजरन वाले हर गैर बंदे नू अपनिया अखा ते पट्टी बन के गुजरना पैंदा है। ओए रस्ता जिधरों दी भी गुजरेगा असी उधरों दी गुजरांगे, ते जरा सानू नहीं गुजरन देगा वो साडे हथों गुजर जाएगा। अरे वो सब खून के लिए मारे है। तेरी एक कमबख्ती मेरे हथों आई है, असी मुंह जोर बंदिया नु मुंह नहीं लांदे। बकवास ना कर माजू, तुसी इन्हां नु अब्बा जी दे असूल नहीं दसे? इन्होंने सानू सब कुछ दसिया सी पर इन्हां दी गल ही कोई नहीं सुन। इस जागीर चाह के इनकार करने वाले नु जमीन च गड़ दिता जांदा है। जे अपनी जान बचानी चाहते हो ते हुण भी अपनी अखां दी पट्टी बन के मेरे कोलों माफी मंग लवो, मैं तुहाडी इस भुल नूं माफ कर दूंगी। साडे जिस टोणे नूं वेखण दी भुल नूं मैं अपनी खुशकिस्मती समझना वा। अमान चंगी गल होती है, ठीक है ना? कमाले में समझाना पे ठीक है। आए तेरे हाथ च डांग मेरी निकल गई है बांग। जे उन्हें तेनू सोना कह दिता है ते केरी कुफर वाली गल हो गई है। मैं ते आप तुहानू कहांगा नवी आई है सोनी है। जवाना देख ही हो रहा है चौधरी साहब, इन्हें ताडे सुना दी खिलाफ वर्जी की है। शायद मेरे बंदे तेन सही गल समझा नहीं सके,
अपने पिंड चो गुजरन वाले हर गैर बंदे दी आंखां इस लई बनियां जांदियां ने कि ओ साडे पिंड दियां तियां भैणां नूं ना वेख सके। इंसान दी आंखां च शर्म होनी चाहिए है चौधरी साहब, फिर उन्हां कोलों किसे नूं कोई खतरा नहीं होंदा। ते शर्मा दी आंखां वी कढ दिओ ते फिर भी अपनी फितरत नहीं बदलदे। तुसीं सिर्फ उन्हां लोकां नूं पहचानो जिन्हां दियां अखां च इज्जत दी कीमत नहीं होंदी। वाह जवाना, तू बहादुर भी है ते समझदार भी है, की नाम है तेरा? मेरा नाम हीरा है जी। चौधरी साहब इहदा नाम हीरा है ते मेरा नाम खिंगर है। हुण तुसीं अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। ओए भोले, दरअसल भोले दा मतलब है चौधरी साहब कि तुसीं अपने बारे च कुछ नहीं दस्सिया। इस पिंड दे जागीरदार चौधरी हाकम ते मेरे अब्बा जी ने, तुहानू कोई इतराज है? जे तुहानू कोई इतराज नहीं ते सानू की इतराज हो सकदा है। चंगा चौधरी साहब, हुण मैनू इजाजत दिओ, मां घर उड़ीकरी होवेगी। अच्छा हीरिया, फिर कदी इधरों लंघे ते मैनू जरूर मिलके जावे। जिवें तुहाडी मर्जी। हां भाई भोलिया, चलो चलिए, मैं ते इत्थे रोज ही आंदा जांदा रहांगा। रोटी दा बंदोबस्त ठीक ही हुंदा ना? चलो ठीक। क्या एवी तुहाडे अब्बा जी दे उसूला शामिल है? ए साडा उसूल है, जेड़ी चीज सानू पसंद आ जाए असी ओनू कमंद पा लेने ते अपना कैदी भी बना लेने। बड़े सख्त उसूल ने तुहाडे। मैं तैनू फिर आंदा नहीं कवांगी, सिर्फ ए याद रखी शादों दे दिल विच एक तस्वीर बन गई है जिदा मुखड़ा तेरे नाल मिलदा है। अच्छा जी, ठीक है। मैं तेनू की दसा बेबे, गल बड़ी पैड़ी है, जे सुन सके तो कलेजे ते हाथ रख के सुन, तू बर्दाश्त नहीं करेगी। पर होया की है? ओ होना की है, आसमान तो एक रस्सा आया ते हीरे दे गल विच आ करके पिया, एक झटका वजिया, मैं ही करके वेख्या ते वेख नहीं सकिया क्योंकि हीरे दे पैर ना आसमान ते सन ना जमीन ते सन। वे बोले मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना की पिया? कमाल है, मेरी गल समझ के भी तू नहीं समझती। मेरी समझ में ऐ समझ सी कि तू एडी ना समझ भी नहीं। मैं तो तेनू ऐ इतला देने आया सा कि चल के अपने पुत्र नु वेख ते लै, हो सकदा उहदे च आखरी सब आके होण ते तेरे नाल कोई आखरी गुफ्तगू कुछ नीत कर लवे। देखो भाजी किहदी ज्यादती है, नेकी कर दरिया विच सुट, भलाई दा जमाना ही नहीं। मैं ते इस अम्मा नूं इहदे पुत्र दी बुरी खबर सुनाई कि आगे कम अज कम चल के उहदा फीना ना के वेख लै मगला। पुत्तर हीरिया तू ठीक है ना? वे वे इस पर खबरें ने ते मेरा कलेजा ही कर लिया सी। ओहो मां जी, मैं तुहानूं किन्नी वारी इह किहा कि बुजदिल ते बेवकूफ आदमी है, इहदियां गल्लां ते यकीन ना करिया करो। हीरिया तेरे गल विच रस्सा किहने पाया सी पुत्रा? आहो ओह रस्सा किहने पाया सी? चलो जिन्ने वी पाया सानूं सी। ओह मां जी, नाल दे पिंड दे चौधरियां दी धी है, बस एवं जाते जाते गल पै गई सी। पुत्रा तफा करे हुजी है कुड़ियां, तू इन्हां नूं मुंह ना लाया कर, आ रोटी खा, सवेर दा भुख है। आओ मुंह ना लगया कर। की गल है सपा ने शहजादी, बड़ी गुस्से च टहल रही कि सप ने उधार तो नहीं मंग लिया? मैं ना बिल्कुल कलाम ना करी बोलिया, तू बड़े झूठा बंदा है। इधर नहीं आंदा मेरा, मैं सवेर तो तेरी राह देख रही हूं, कितने मर गया से तू? माफ करी जरा, मैं एक सवाब का काम कर दिया, मैं देर हो गई। कि मसीद बनवा रहे तू? नने प्यार दा शाही किला तमीर करवा रहा था, वो मेरा यार है ना हीरा। आहो की होया नु? ओनु इश्क हो गया शादो चुतरानी नाल। मैं ओनु बड़े ही समझाया, बहुत ही समझाया, पर वो बाज नहीं आया। आखिर मनु आपे उना दिया दो चार मुलाकातां करवानी पै गई। ओ हाय वे भोलिया, तू एवे काम शुरू कर देते? मेरे करैक्टर ते शक ना करी, वो मेरा यार है। इस वजह से मैं तेनू इतने मिलन का टाइम दिता सी, मैं को आपस में मिल लैन, बस आपस में मिल लई है। ओ नांगे, कपड़े पा के आ गया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੋ ਤਦਰਾਣੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਵੇਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਤਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੱਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੋ ਤਫੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ, ਆਹੋ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁਦਰਾਣੀ ਸ਼ਾਦੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ? ਓ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਈ ਏ, ਮਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਕਾਲੀ ਕੁੜਤੀ, ਕਾਲੀ ਕੁੜਤੀ
लड़की की शादी करना चाहता है, पर जो तक तो मेरे सिर से सिर नहीं बनेगा मैं और ब्याह नहीं करा। ब्याह तो मैं तेरा मौत नाल करूंगा शहबाज खान, तेरिया सजावा मेरे साथ तोड़ सकदिया ने पर मेरी जिद नहीं। जदों जदों तेरे जुलम दी काली रात उत्ते सवेर दा चानण बन के मेरा पुत्र आया ते तैनू अपनी जान बचा ली, बना न जमीन करेगी ना आसमान करेगा। सोच के अपने दिली चमकन वाले आपने दीवे ने बुझाते समा तेरा पुत्र बन गया है या फिर पुत्र ले जिड़ा आज तक मैया ने कहती प्यो नु छुड़ा नहीं आया। तू पक ले, तू झूठ बोल ले, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर ये जो हो सकता है ना, तेनू इन्नी मार मारा कि तेरे सारी साथ आके कालू। ओए पिंडर से बड़ा ही दी थे शहबाज खान, ओए दो चार सौ कोड़े ते मुर्खा भी नहीं ले सके। दुश्मन बन गया बुढ़िया, एदे सिर तू अपनी हिफाजत दा पैरा ला के इथू ना जा, नहीं ते एदी इज्जत दे नाल तेरी जान भी जाएगी। पागल कुत्तियां ते वैशी इंसानां दा इलाज सिर्फ मौत है। तुसी मेरे पिंड दी इज्जत ते हथ पाण दी जुरत कीती है, ओए मरण तो पहला अपने पिंड दा नाम पता ते निशान दसो जिथे मैं तुहाडियां गुनाहगार ते बेशरम लाशा सुट के आवां। पक पक बंद कर, लगदा मैं ढलन दे नाल नाल तेरा दिमाग भी चल गया है। धक्के मारन नाल कदी पहाड़ भी अपनी थां तो हिलिया। ओए बेगैरती दा ए पहाड़ गैरत दे इक धक्के नाल पैरां दी तोड़ बन जाएगा। बड़े बुजदिल हो, अपनी बाहों का स्टोर एक बुजुर्ग से प्यास मान रहे हो। ए कौन है चौधरी साहब? ये साढ़े पिंड की कुड़ी की इज्जत से हाथ पा रहे सन। समझ गया चौधरी साहब, देखो जे बगैरतों की बीमारी का मैं सनद याफ्ता डॉक्टर हाँ। Yeah.
दूजी बारी तेरी बहादुरी वेखी है पुत्रा किथे रहना इस बाग के नाल ही मेरा कार्य चौज साहब मां प्यो जीते ने मेरे सिर ते सिर्फ मां का साया है ते फिर उस शेरनी मां नाल बला पुत्रा जिन्हें तेरे जे शेर पुत्र जमे है आओ चौधरी साहब तुहानू मां पुत्र मिल के मैं बड़ी खुशी हुई है पर गलती मैं समझ नहीं लगती भाई पिंड दी रौनकां छड़ के तुसी इस वीराने च क्यों रहन लग पए हो वीरा खामन दे ना होण तों बाद मैनूं वीराने चंगे लगते ने ते नाले हुण सारी दुनिया दीआं रौनकां मेरे पुत्तर दे नाल भैणा साडी इस निक्की जी मुलाकात ने सानूं एक दूजे नूं बड़ा करीब कर दित्ता है मेरी ख्वाहिश है तुसी साडे पिंड चल के रहो नहीं चोई साहब सानूं इत्थे ही रहण दिओ असीं इत्थे बड़े ही खुश हां नहीं पुत्तर साबरा पैन तू मैनू वीर आख्या है ते वड्डे भरा दा आखा भी तैनू मनना पएगा भावें तू इहनू मेरी जिद्दी समझ लै मैं तुहानू नाल लैके जावांगा हां ते नाले अब्बा जी कह रहे सन जोगी बाबा दी गल सच्ची हो गई है कल साधु जेलो रिहा होके आ रहा है साधु ये कौन है बड़ा ही खतरनाक बंदा है अज तो 10 साल पहला उन्हें इस पिंड के 2 बेगुनाह बंदे सिर्फ इसलिए कतल कर दिता कि वह बंदे उन्होंने इस पिंड बुरा काम नहीं सन करन देंदे अब खैर करे 10 साल बाद तबाही ते बर्बादी साधु दे रूप च फिर इस पिंड वाल आ रही है साधु तेरे जे बदकार इस पिंड च कोई थां नहीं हूं मैं अपने जुर्म की सजा भुगत आया तू केड़ी नवी अदालत का जज है जेड़ा मैनू नवा फैसला सुना रहा है मैं गैरतमंदा की अदालत का वो जज हां जिन्हें आज तक किसी बेगैरत नू माफ नहीं किया लगता है मैनू तेरा आंकड़ा सिर झुकाना पेगा जे ना चुकया तो फिर लाना ही पेगा बक नहीं ही रहा रुक जा मैं नहीं चाहता तू इस कातल का सिर ला के आप कातल बन जावे इन्हू मैं पूछ लेता इन्हू इस पिंड चाहन की जरूरत किवें होई है गरम क्यों होना है चौधरी कतल किते नहीं जाते हो जाते मैं अपने जुर्मां की सजा कट आया वहां तेरे पिंडी च कोई नवा जुर्म करा ते फिर तेरे हाथ मेरे गरीबान तक पहुंच सकते ओए ते फिर ये भी याद रखी जे तेरा जुर्म मेरी बर्दाश्त तो बाहर होया ते फिर मेरा हाथ तेरे गरीबान तक ही नहीं तेरी शहर तक भी पहुंच जाएगा चल ही रहा ओए मैं ते तनु बंदी खाने च बड़ा याद करता रहा वहां ये दसो तुसी भी मैनू याद कीता सी के नहीं ओ साधु पहलवान की गल कीती है तेरे बगैर ते सानू ए डेरा कब्रस्तान लगदा सी बिल्कुल 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 या नेरे च एहो जे बिजू नजर आउंदे सन या कब्रस्तान च एहो जे गावां फिरदियां सन ओ चाचा बेवकूफा जी बेटा जी बकवास ना करया कर अच्छा बेटा जी ओए बाप दम दम होले हर वेले फिर सदी हुंदा रहना पुत्र आले पोले पुत्र बंब दे गोले मैं हर वेले बेइज्जत नहीं हुंदा मैं कदी कदी बेइज्जत हुंना ते पुत्र कदी कदी बेइज्जत होण च कोई अर्ज नहीं इज्जत दा सदका निकल जांदा है चाचा अकलमंद जी ए ते दस जी चौधरी हाकिम नू हां जी मेरे कोलो की खतरा हो सकदा है मोतिया ले तुसी आप जानी जानो जवान तिया दे गैरतमंद पिवा नू तुहाडे वर्गे बुरे बंदिया तो खतरा ही हुंदा है चाचा की बकवास कर रहे हैं मेरा मतलब है चौधरी दी धी बहुत ही खूबसूरत है ते वो नहीं चाहता किसे बदसूरत बंदे दी नजर ओहदे ते पै जाए खूबसूरत ते फिर असी ओनू रच के जरूर देखांगे मैं आप दिले दी ताक से तो कुछ ले वो
ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਓਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੀ ਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਓ ਬਾਬਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਚਲ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਮਨਸੂਬ ਜਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ
तू क्या सी कि तेरा एक पुत्र ते बीवी शहबाज खान को जिंदा बच गया था। हाँ हाँ उस खैर नाल जवान हो गया होना है। फिर तेन जुलम भी कह रहे छुड़ाने लिए क्यों नहीं आया? ओ जरूर आएगा बाबा जी आएगा, ओ जरूर आएगा। ओ कभी नहीं आएगा, मैनु लग रहा है जवान होके बुजिल हो गया। नहीं नहीं बुजदिल नहीं हो सकता, मेरा पुत्र बुजदिल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिस दिन उन्होंने अपने प्यो के बारे में पता लग गया तूफान बढ़ के शहबाज खान के सिर ते पहुंच जाएगा, फिर शहबाज खान मेरे पुत्र का वार नहीं सह सकेगा, नहीं सह सकेगा। तू तो साडा यार भी है, एक बहादुर भी, असी चाहने हूं तो साड़ी जगीरी जाए। तेरी जगीरी डेरे जरूर लावांगा शहबाज खान, पहले अपनी जिद से व्याला। अपनी जिद सन भी तो दस साधु, जे तेरी जिद किसी की हयाती मंगती है ते शहबाज खान तुझा सारी लैन देगा, जे तेरी जिद किसी मुटियार का हाथ ते किसे पिंड की नंबर थारी मंगती है ते फिर दस शहबाज खान कितने घर बन के नजर आवे। ये बड़ी छोटी जी जिद है शहबाज खान, तेनू पूरा भी मैं आप ही करांगा, ते फिर तू वेखेगा साधु पिंड का नंबरदार भी बन गया, किसे दे गोरिया बावा नू अपने गले का हार भी बना लिया। तंग करना है क्यों, तंग करना है क्यों, सदे आम बेच दे तकिया करेगा पते, नाम वे मेरी छड़ दे चंद वे करनी है करके सलाम वे तेरी सारी उम्र में।
ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ इज्जत नु बदनाम करन लई साधु ने जड़ी पंचायत लाई है ओदी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंच गई होनी है शादो देख शादो कोई बहाना बनान तो पहले इन्ना जरूर सोच लवी तेरे प्यो नु झूठ ते सच दी चंगी तरह पछाड़ है बदनामी का टीका बन के लगी है वो सच है कि नहीं ओहो मां तू समझदी क्यों नहीं हीरिया मैं तेरी कोई गल नहीं मननी पहले मैनू ए दस के तू रात नू जानना किथे वे एदा जवाब मैं देना वा रात ते हनेरे तेरा पुत्र एक शरीफ कर दी इज्जत बर्बाद कर लिया ए तुसे की कह रहे हो चोई साहब मेरा पुत्र एहो जिहा नहीं ए सच्चे साबरा तेरे पुत्र दे हाथ मेरी पग पर बधे ने इहदी वजह नाल बदनामी मेरे मुंह ते पहुंच गई इने पुट्ठे सिद्धे सबक पढ़ा के मेरी तीनो वरगलाया है साबरा चंगा बदला दिता है तुसी मां पुत्र ने मेरी मेहरबानी था चौधरी साहब ऐसी इस गुस्ताखी दी मैं तुहाडे कोल माफी मांगनी हां ते यकीन कर लो आज तो बाद तानू एदे वल्लों कोई शिकायत नहीं होगी एदी जिंदगी दा मकसद एक कोई होगा जिदे लई मैनू मनता मंग मंग के जवान कीता है हीरिया चल मेरे नाल चल वे तीन तेरिया कल दे गुजरे हुए निशान ने जिन्हां ने मैनू मेरा इंतकाम नहीं भुलन दिता इंतकाम हां वे जड़ा अज तक मैं अपनी जबान ते ऐस ले नहीं लियाई कि मेरे अंदर बैठी हुई ममता ने मेरिया सोचा ते पैरे ला दिते सन मैं भी भुलती जा रही सा जिस सालम ने मेरा हस्ता फस्ता कर उजाड़िया है वो हाली चिमदा है वे मैं ते ए भी भुलदी जा रही सा कि ओदी कैद विच तेरा प्यू बेबसी दी जिंदगी गुजार रही है ए की कह रही है मां मेरा अब्बा जिंदा है छेती दस मां छेती दस सालम कौन है ते किथे रहंदा वे मैं तेरे ते होण वाले एक एक जुल्म दा ओदे कोलों हिसाब लवांगा मालिक शहबाज खां है आज तो 20 साल पहले शुरू करो मौलवी साहब औ बिललाह मिन शैतान रजीम ठहर जाओ मौलवी साहब की गल है जमान पुत्र खैर ते है निकाह रुकवा के तैनू ते तेरी तीनू ओ साला लिया आफत तुम बचाए
जेड़ी निकाह तो बाद शैतान ने लियानी है। सच सुन के तड़फण क्यों लग पिया शहबाज खान? मैं फैसला किया कि तैनू हुण किसे दा कर बर्बाद नहीं करन जांगा। सुनो ए पिंडा लियो, सिरे दियां लड़ियां पिछे ओ चेहरा जेड़ा तुहाडियां तियां दी इज्जत दा दुश्मन ने। ए झूठ बोलदा है, इहदी ज़बान ते यकीन ना करना। ए मेरे कोल अपनी भैन दा बदला लेना चाहुंदा है जिन मैं तलाक दे चुकिया वा। ओए तेरे कोलो तलाक लेण वाली ते घबरा च जा सुती है, पर मरण तो पहला उन्हें मेरे को वादा लिता सी कि शहबाज खान अपनी अयाशी लई किसे मजलूम ते कर सेरे बन के न जावे। भैन दी कसम ने मैनू तेरा सिर लाल तो रोक दिता सी, पर इस सेरे मैं तेरे सिर ते नहीं लड़ दियांगा, नहीं लड़ दियांगा। ठीक कहना है मौला बख्शा, इन्हें साढ़े पिंड की कुड़ी नाल शादी की थी, ते उन्हें एक साल बाद तलाक देती थी। इन्हें अपनी याशी लई मेरी धी दे पिंड च व्याह किया सी, और कुड़ी तलाक होने तो बाद खुदकशी करके मर गई। हर साल व्याह करना तो तलाक देना तो दस्तूर बन गया। जाए दफा जाए तो बढ़िया चौधरिया, किधरे मेरे पिंड वाले तेरी बोटी बोटी ना कर देन। एक गल याद रखी समान, मैं तेरी वजह करके इतने बेइज्जत होया वा। हुण मैं व्याह उदो ही करांगा जदों तू अपने हत्थां नाल मेरे सिर ते सेहरा बन्नेगा। सुनो, कदी वेला आया ते हाथ तेरे सिर ते सेरे नहीं बनणगे, तेरा सिर लाणगे। एक मर्द दा कौल है। साईं बाबा दे मजार ते हाजरी देन तो बाद हीरे दे नानके भी हो आवांगे। हीरे दा ते बहाना बना रही है, मापिया घर जाण लई ते तेरा अपना दिल कर रहा होगा। शर्त जमान, तू अपने हत्थां नाल मेरे सिर ते सिरा बनन दा वादा कर लै, मैं तैनूं माफ कर दियांगा। मैं राजपूत ओए बुजदिल दुश्मना, ते राजपूत इक वारी जड़ी जिद ते अड़ जाए ओ जिद नूं सिर्फ मौत ही रोक सकती है। मौत
ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹ ਸਾਡੀ ਕੈਦੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੇੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਂ, ਗੋਰ ਦੁਜੜਨ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਸ਼ਬਾਬ ਖਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੜੋ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਲੈ ਚਲੋ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜਰਾ ਵੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਚੰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
शायद शबाज खान को लग रहे हैं। तो कौन है? मैं शबाज खान की बीवी हूँ। तो फिर छेती दस शबाज खान कितने लुके हुए हैं? शबाज खान तक तेरा पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं भी मौत पर क्या आया माँ? और जमीन दी किसे तेज भी लुके आएगा, मैं उन्हें कट के मारूंगा। बेशक मैं मन नहीं हूँ, तेरा इंतकाम शबाज खान मौत की नींद सुला देगा, पर रोते बरन तो बाद तू अपने प्यो नु कभी नहीं मिल सके। जमान किस कैद खाने च बंद है, ओदी की पहचान है, ऐ तेनु सिर्फ शबाज खान ही दस सकता है। चौधरी है तो किधर शबाज खान की जान बचाने ले जोर ते नहीं बोल रही? सब कुछ दस के ना मैं तेरे से सहन कर रही हूँ, ना ही शबाज खान की जिंदगी बचा रही हूँ, सिर्फ तेरे प्यू की जिद का एहसान ला रही हूँ, जिन्हें सारी जिंदगी मेरे सिर से छोड़ कर नहीं आन दी। जून जो कि शबाज खान के जुल्म सहे, पर अपने हथी मुझे सिर से सहरे नहीं बने। मेरा कहना मन तेरे तू चला जा, ऐसा तू अपने प्यू नहीं छुड़ा सकेगा। नहीं चौधरानी, नहीं हो सकता। मैं अपनी मां की वसात नहीं तोड़ सकता जी उन्हें खड़ी की थी। मैं शबाज खान के चौथे अपनी मां के कदम जरूर सुटांगा। तेनू अपने बेबस से मजबूत प्यू की कसमें अपने इंतकाम का हर उन्नी देर तक रोक लै जिन्नी देर तक तेरा प्यू नहीं मिल जाता। जे रब ने शबाज खान की मौत तेरे हथों लिखी है फिर उन्हें कोई नहीं मार सकता। ठीक है चौधरानी, पर एक गल मेरी शबाज खान याद न दस देवी कि मौत ने ओदी शनाख कर ली। मैनू तेरिया बाहों के जोर से बहादुरी से शक नहीं रहा। जे वक्त की गर्दिश ने शहबाज खान के कुछ साह होर बता दिते ने तो फिर की होया? एक ना एक दिन उन्हें अपनी जिंदगी तेरे अगे हारनी पवेगी। मां खुशी तो सिर्फ इस गल की हुई है कि तेरे पैरों की तमक ने दुश्मन नू ए ते दस दिता है ना कि राजपूत जमान का खून बुजदिल नहीं बहादुर है। तो रब अगे सिर्फ एह दुआ कर मां, मैं छेती नाल ये पता लग जाए कि मेरा प्यू और जालम दी किस कैद च। मैनू तेरे दुखा की कसम है मां, शबाज खान को मैं अपने प्यू ते कीते हुए एक एक जुल्म दा हिसाब लवांगा। फिर उस जालम नू तरफद्या वेख के सानू गुजरे हुए कल दे सारे दुख भुल जाणगे। भी नजर दौड़ाओगे सानू तुहाडे भरा दी जागीर नजर आएगी। सारा इलाका उन्हां दी मलकियत है, जमीन ते सा लैण वाले उन्हां दे गुलाम ने। एदा मतलब है वेख के पाई जान दे बराबर दा एथे कोई जागीरदार नहीं। आने वाले 100 साल तक भी नहीं जम सकता। मैं शायद सुने सी दारिया जागीरदारां दे बड़े दुश्मन होंदे ने, पहचान दा ते कोई दुश्मन नहीं। साडे भरा दे सामने तो कोई उच्ची भी नहीं बोल सकता। दुश्मनी पा के मौत नू वाज किन्ने मारनी है। आओ चलिए। मेरे कोल जागीरदार नहीं है, दुश्मनी दे रूप विच मैं तेरे भरा दी मौत हां जड़ी जिस वेले चाहे ओदे सा डक देवे। की बकवास कर रहे तू दारिया? मेरे भरा दे खिलाफ बोलन वाली इस गुस्ताख जुबान नु वढ़ दियो। तेरी इस गुस्ताखी नु तेरी पुल समझ के माफ कर रहा है। जद तबाह जाए थो नहीं तो जिस थां ते खलोगे अपने तो वड्डी गल कर रहे हैं, उसे थां ते दफन कर देंगे। ओहो पाजी तुसी ते नाराज हो गए हो, मेरा कफन दफन दा कोई इरादा नहीं। कहंदे हो ते मैं चला जाना वा, पर मेरी शर्त होवेगी। ओ की? तो मैं कलिया जांदिया डरना वा, इसलिए मैं चाहना वा मेरे नाल तुसी जागीरदारी नू कल दियो। तैनू हुण मौत नाल टोरांगे, समझ लै तेरा आखरी वक्त आ गया।
ना ना मैं ते बंदे आते असला नहीं चुकी दा असला खराब हो जान दा तो फिर मेरी जान मैं थे बाईना मुंसिब बन के ते तुसे नु फाल लो ला 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 करी होए की बेकल उधर जाके ला रहे पागल दे पुत्र मेरे नाल तेरी की दुश्मनी है मैं तो सिर्फ लड़ाई का फैसला करांगा मुनसिब जो आया ना पुत्र ना 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 बचड़िया ये चल जाएगी ए मैं दे रे ऐ की है तेरे मुंह तो कोला हो गया है मैं तुम पहले भी कितने देखे हैं तू कि पागल का पुत्र बंदूक चलाउनी आउंदी नहीं सो तो गोली चलाउन लगा सी शाबा फल ले ला नू पर पूछी तो मुंह वाले तू भी आ गए लाओ जी इनू कहने ले The first blood, blood and sun down. The guns off the never on. हरल पोपो कितने पक्षल लौंगे जी। जगीरदार नहीं है। एनिया कमजोर बावानू अपना मुआफस से पहरेदार नहीं बनाई था। तो सुना है? जाके ऐते प्राणु आखते ही। ऐते बदलेच मैं अपने प्यो दी रिहाई चाना मा। ते जे उन्हें कोई चलाकी की थी, ते दी लाश मिलेगी उन्हें। चली पुत्र साधु जदों दा तू इस पिंड च आया मेरा हौसला वध गया ते मेरे पुत्र दा फिफड़ा वध गया ये कौन है अकलमंदा ती भैणे किसे भी जे को समझ लेते वैसे रेमू जोगी दी थी ये अपने लो रेमू चाचा ने तीनू बड़ा संभाल के पालिया है छे सात महीने बैंक च भी रखी रखिया की ना है तेरा शहजादी है बहन जी की बकवास कर रही है मैं ठीक कह रही हूँ अगो हट साधु जिदा रस्ता एक बारी डक लवे उदा रस्ता अपनी मर्जी नाल ही छड़दा है आओ आ गई खंग वाली कुत्ती तू ही आराम नाल खलो जा क्या तेरा दमे वाली बांदरी वर्गा मुंह है मेरा मतबल ए आ भी कुर्जे बंदा अकलमंद होवे ना ते एहो जिया चीजां छड़ जांदा हुंदा तू ही खलो जा भाई ये चुगलखोर खतरिया मेरा मतबल भी रस्ता बदल लेंदा तुर आउंदी चलदे अच्छा जी सूफी साहब खुदा हाफिज ये कौन सी चाचा खड़ा जंगल च की फिरन डया है पर गल सुन हां तू बदकार बुढ़िया तो हर पिंड दी कुड़ी ले आ के चौधरी साहब को टीन टांटो अपने ईमान ना दस मैं तुहाडे घर कदी गया मेरे घर ना आई मेरा अब्बा कल्ला ही हुंदा ही पुत्र हीरे ने इन्हां नूं सिर ते चढ़ा के रख्या कोई गल नहीं चाचा कोई वेला हत आए ते हीरे नूं चिट दियांगा ए शाबाज खान दी भैण है मां पर तू इन्हें इत्थे लेके क्यों आया है इसलिए मां ये साडे दुश्मन दी भैण है ते बड़ा कम आवेगी मिस्टर तू मैनू इत्थे लिया के अपने लिए चंगा नहीं किया तू मेरे भरा दा सिर्फ ना सुनिया जे उन्हें मेरा हुआ होने का पता चलिया ते ओ तेरे लिए मार बन जाएगा हीरिया दलेर दुश्मन दुश्मन दी इज्जत नु भी अपनी इज्जत समझदा है तेरी दुश्मनी शहबाज खान आले उस दुश्मनी च इस कुड़ी नु क्यों ले आए हैं इनू मैं अपने दुश्मन दी अमानत समझ के ले आया मामा तू आ भी ते क्या सी के शहबाज खान बड़ा चालाक इंसान है ओदे कोलो एदे बदले मैं अपना पियो मंगया मां
ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਚੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਵੇਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਜੰਗੂ, ਇਹਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤੋੜ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਤਾਰਿਆ, ਜਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮ ਸਰਫੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਸਤਾ ਵਸਤਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਗੁੱਟਾ ਖਾਵਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਕੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ, ਬੱਚੇ, ਯਤੀਮ ਤੇ ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਫੜ ਬੰਦੂਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਰਵੇ। ਚਲਾ ਗੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਵੇ ਬਿੱਲੋ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੇਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਰ ਤੂੰ ਗੱਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਮਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ,
मैं अपने नाल तैनू भी मार देंगी। सचो सच दस, जिस चुड़ैल नू तू अपने घर लेके गया वो कौन है? तेरा उहदे नाल की वास्ता है? बेहिरिया मेरे नाल झूठ ना बोली, बिल्लो ने मैंने सब कुछ दस दिता है। ओयो ते साडे घर मेहमान आई हुई है, तू किहड़े भुलेखे च पै गई है? इस नमानी कोल तेरे प्यार दे सिवा होर कुछ नहीं, पर एक गल याद रखी, जिस दिन तू अपने ते मेरे प्यारे च किसे नू शरीक कीता ओ दिन मेरी जिंदगी दा आखरी दिन होवेगा। सुनिया सी पर अज यकीन हो गया है कि प्यार करने वाले बड़े शक्की होते ने, एक दूजे का साया भी बर्दाश्त नहीं करते। और पागलखानी है, मेरी गल सुन, ना ही वो मेरी मेहमान है तो ना ही उनके नाल मेरा कोई रिश्ता है। वो तो साढ़े पुराने दुश्मन शहबाज खान की भैन है, मैं उन्हें अपने प्यो की रिहाई लिए घर लैके आया वहां। मेरा मनसूबा कामयाब हो गया शादो, शहबाज खान ने मेरी शर्त मन ली है, कल मेरे प्यो नूं पिंड दी सरहद ते लैके आवेगा। आज तो बाद तेरा बाप साड़ी कैद चो आजाद है, आ तेन तेरा बाप मिला दिया। ओ तेरा बाप बैठा है, जा ले जाओ। मां ने नहीं दसिया शहबाज का ना ही उस बला का जिदे नाल टकराण वाला अपनी किस्मत नू सारी जिंदगी रोंदा है। ओए कैदी बना लो, ओए बना लो कैदी। Thank you.
नहीं करते जेड़ा तुसी एदे नाल कर रहे हो। देखो ए जकीर दे मामले ने किन सजा देनी है किन माफ करना है इसलिए मैं सब तो बेहतर जानना तैन मेरे कमां च दखल देंदा कोई हक नहीं। मैनू बोलन दा हक के पाई जान तुसी सजा उस इंसान नू दे रहे हो जेड़ा मैनू अपने नाल लिजा के उस जिंदा लाश भी बना सकता सी जिन्हू कोई कबर कबूल ना कर दी। मैं एहसान कदे नहीं भूल सकती। मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़नी हां भाई जान एनू तेरे बाप नू रिहा कर दिओ ते भूल जाओ अपने माजी नू। इंसान नाल वैशियां नाल सलूक ना करो वरना आने वाला वक्त तुहानू कदी माफ नहीं करेगा कदी माफ नहीं करेगा। बक बक बंद कर सेबो तैनू शहर पढ़ ली इसलिए नहीं सी भेजिया कि तू पढ़ लिख के सानू मशवरे देने दबाओ जा इतो दबाओ जा। तेरी जुबान दुश्मन की वकालत च बोल रही है जे आवाज तेरे भरा ने सुन लीती तो तेरा भी दुश्मन बन जाएगा। मैं हक ते सच ले बोल रही हूँ भाभी मैं कोई जाहिल ते नहीं जेड़ी झूठ ते सच का फर्क ना समझ सका। हीरे के एहसाना का बदला ला ले भाई जानते की पूरा जग भी दुश्मन हो जाए ते परवाह नहीं। सेबो तेरी है हमदर्दी हीरे लिए अजाब ना बन जाए।
आहिस्ता आहिस्ता तेरे को दूर होती जा रही है। ते मौत ओनली तेजी नाल तेरे वल वधदी आ रही है, पर जवान पुत्र दे मिलन दी आस हाली तक तेरे दिल चो नहीं मुकी। सुन के अपने धड़कते दिल नु तसल्ली दे ले जमान, तेरा पुत्र ही साड़ी कैद जा गया। मेरा पुत्र ओ भी तेरी कैद च? परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, मैं इन्ना बेरहम नहीं कि प्यो नु पुत्र नाल ना मिलावा। इन्हू खोल दी ओए। किथे वे मेरा पुत्र? मैनू मैनू ते को ले चलो। ठीक है ते फिर मेरे नाल चल, पुत्र नू मिल लवे ते फिर भी फैसला कर लवी। जे उन भी अपने नाल जिंदा वेखना चाहने सिद तोड़ के तू भी मेरे पैर चुक जाओ, नहीं ते मैं इक्को वार नाल तो सिर धड़ तो ला दियांगा। क्यों लग पिया दुश्मना? यकीन कर ले अज तो तेरे पूरे दिन शुरू हो गए ने। कई साल तो जिस आस से मैं जिंदा था अज वो पूरी हो गई है। और मेरा पुत्र तेरे लिए क्या मत भरे जज दे नाल तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बच रहा है ले जाओ इस पागल को, ते हरी करके बंद कर दियो, बंद कर दियो ते हरी। हीरिया हीरिया वे की हो गया वे पुत्रा? होश कर हीरिया वे पुत्रा, वे तेरा हाल किने बना दिता है? हौसला करो मां जी, बहादुर पुत्र दी मां बन के दे जख्मा ते मरम रखो ते बस ये सोचो रब ने तुहाडे पुत्र दे सिते आई हुई मौत नू टाल दिता है। इस तो पहला मेरा जालम भरा तुहाडे थन दे नूर नू बेनूर कर दिंदा, मैं इन्नू दे सिर चो कढ़ के लई आ। जिंदी रातिए तेरे इस एहसान दा बदला इस मां दियां सिर्फ दुआवां ही ने। मां जी तुहाडे पुत्र ने मेरे नाल बहादुरां वाला सलूक किया, चाचे की जान बचाने मेरी जान भी कुर्बान हो जाती ते मैं फर्क ना करती। अल्लाह तेरा भला करे दिए, तू मेरी गोद खाली है मुंह तो बचा लीए। ते मां जी एक गल याद रखना, हूँ उस वेले तक हीरे नू मेरे भरा दी जागीर वल ना टोरना जब तक तान मेरा पैगाम ना पहुंचाए कि एदा प्यू ते तुहाडा सुहाग मेरे भरा दे किस कैदखाने च कैद है। मौत दी चार दीवारी चो कढ़ के अयाती दी मंजिल तक छड़ आईए, तैनू नहीं सी पता तेरी इस पुल दी तैन किन्नी खौफनाक सजा मिलेगी। मैनू ताडे दिते हुए किसी भी सजा का कोई खौफ नहीं है भाईजान, इसलिए कि मैं जो कुछ भी किया है
इंसानियत नु जिंदा रखने लिए किता है। तेरे नाल आज तेरी ओ इंसानियत भी दफन कर देंगा जिन्हें तेनु मेरे असूलों का बागी बना के बेखौफ कर देता है। मैं तेन चलो मार दियांगा। ऐते एहसान करोगे मेरे ते इसलिए कि मैनू नहीं चाहिए ओ जिंदगी जेड़ी जुलम ते ना इंसाफियां दे साए थले गुजरे। तुहाडी भैन समझ के लोग मेरे नाल प्यार नहीं नफरत करन। मैनू मार दियो भाईजान। मैं सब कुछ नहीं वेख सकती जो कुछ तुसीं कर रहे हो। मैं बदनसीब ते बददुआ मंगनी आ कि रब किसे भी भैन नू तुहाडे जिहा भरा ना देवे। किसे भी भैन नू तुहाडे जिहा भरा ना देवे। शबाज खान की कई कैफिश तेरा प्यू है। मैं तेन इतना नहीं जान देना। अपना इरादा बदल नहीं रहा। जब तक से बोलो कोई इसला नहीं आ जाती मां तेन नहीं जान देगी। हीरिया नहीं जान देगी। हीरिया और मैं तेन किन्नी बारी किया मेरे नाल गोल मोल गल्ला ना करिया कर। मगर आसमान भी गोल है जमीन भी गोल है तो साधु का डेरा भी गोल है। बड़ी जबरदस्त किस्म की तवा होती है कोल। बकवास कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं तू भी अगे दस दस की वे क्या तू दस लो। हाँ 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 लो जी बड़ी छमक छलो किस्म की तवा साधु के डेरे वाल जा रही थी। इस तो अंदाजा है क्या कुछ उजड़ा हो गए। बकवास बंद कर रहे हैं। मेरे पिंड च उजड़ा नहीं हो सकता। लोग मुजरा हो ठीक कह रहा सी। मेरे पिंड में तूफान आने वाला है। मेरे पिंड दामन चैन तबाह होने वाला है। मैं साधु नु अपने पिंड की इज्जत न खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। Yeah!
मेरे असूलों दिया सारिया कंधा टप गया साधु। मैं तेनू कहा सी ना, जिस दिन तू मेरे पिंड की शान से मेरे वकार के खिलाफ कोई काम किया, मैं तेनू तेरे हिस्से जेरे दफन कर दियांगा। दादरी बंदा वधना, दफन करना, जेल कटनी मेरी पुरानी आदत। अपने असूलों का कल कुट के इतों वापस चला जा। क्यों तीनों यतीम करना चाहना है? ती मेरी यतीम नहीं होगी। इस पिंड इतों बुराई जरूर खत्म होगी। उच्चा बोलिया सी, तू इन साडे पैरां तो भी नीवा कर दिता है। कल सवेर दा सूरज चढ़न तो पहला पहला यह पिंड छड के तुर जाए, नहीं ते कल शाम दे डुबते सूरज की आखिरी किरण तेरी कब्र ते पवेगी। जा तुर जा। हीरिया, मैंनू अज पता लगा है तेरी मां ने तेरा नाम हीरा ठीक ही रखा है। तू वाकई हीरा है। चौधरी साहब, तुहाडी मेरी भावें नाराजगी है, पर यह किस तरह हो सकता है कि मेरे जिंदिया कटिया इंसान का हाथ तुहाडी गिरबान तक पहुंचे? लो जी चौधरी साहब, मैं तो यह कहना कि सारे झगड़े गिले खत्म करके ना ते हीरे नु अपना पुत्र बना लो। नहीं समझे, मेरा मतलब है कि सूजी मिट्टी खूब लग जाए जी, तो लोगों को गल करने का मौका नहीं मिलना। नहीं समझे? क्यों नहीं, मैनू तुहाडा मशवरा पसंद आया। अज तो हीरा मेरा पुत्र ही नहीं, जवाई भी है। मैं कदी कदी सोचनी हूं मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, मैनू तेरे जैसा इंसान प्यार करने वाला मिले है। मैं तो यह दुआ मांगनी हूं कि तू छेती तो छेती मैंने सुहाग का सूआ जोड़ा पुआ दे। मैं अपना फर्ज पूरा करके जिंदा बच गया, ते तेनू सुहाग का जोड़ा जरूर पवावगा शातो। तुसी गोली क्यों चलाई है मां? गोली चला के तेनू तेरा फर्ज याद कराया हीरिया। मैं अपना फर्ज नहीं भुलिया मां, सिर्फ मैनू जेबो दे पैगाम दा इंतजार है। जेबो दा पैगाम आ गया हीरिया, उन्हें उस कैद खाने दा पता ला लिता है जिथे तेरा प्यू बंद है। अज रात दे पिछले पैर
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ੇਬੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਭੋਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਹੀਰਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਖੁਫੀਆ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੰਦੇ। ਜ਼ੇਬੋ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। चौधरी हाकम कोलो मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लांगा। शहबाज खान, मैं उसके सामने उसकी चीन को अपनी रन बनावांगा। ठीक है साधु, हूं तू साडे कोल आ गया, जो चाहेगा वो ही होगा। ठहरो। तेरी वर्दी में दाग किवें लगा है? ए, दाग ही तो धोन जा रहा वा। ठीक है, दाग धो के अपने पैरे से वापस आ जाएं। ते चौकस रवी, जे कोई मशकूक आदमी नजर आवे तो गोली मार दे। गोली जरूर मारांगा। छेती छेती आ जा, कम मुका कटिंग कटिंग टिंग, कम कटिंग टिंग। एदा यार दा कुछ की कर रहे दुश्मन हीरे का यार है। मतलब है हीरा इतने जरूर आया उड़ा। हीरा है? हीरा कित किसी अंगूठी जाने मैनू की पता। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? कुछ हम नहीं करना पड़ा। नहीं करते चलते रोक दिया। हीरे ने तेन की तकलीफ दी थी भाई? ये मैं छेगा तो मैं दसूंगा ना। जान तली ते रख के अपने बाप नू छुड़ाण आया है। किन्ना खुशकिस्मत है ओ बाप जिदा तू पुत्तर है। जा जा अपने बाप नू लेके आ।
हवरे ओदियां बुढ़िया अखां कदों तों तेरी सूरत वेखण नूं तरस रहीआं होणगीआं। जा बेधड़क चला जा, चला जा, मैं सारे पहरेदार मार दिते ने, जा। थोड़ी देर हुई हो सारे चौकीदार मार के नस गया। पापा, ये था मतलब है कि वो बुजुर्ग मेरा ओ तेरा प्यो समानी सी रहा। बड़ा ही बात खबर है भाई, तू बड़ा बात सामने आए पे हो रही पहचान सकिया। मैं मुकाबला जरूर करांगा। ए हीरे दा कोले
कौन है? मेरे इस कैदखाने की रिहाई तैनू मौत से बाद मिल सकती है जमान। मैं तेरे नाल वादा करना, जे तू मुकाबला जीत गया ते मैं तेन रिहा कर देंगा, फिर तू वही अभी विच पुत्र नहीं मिल लेगा। मुकाबला करने लई तेरा वो जवान हाली मैदान च आया नहीं। आ जाएगा जमान, वो भी तेरे वांगर बड़ा अखर से स्थिति है। ले आओ आगे। मैं एक बारी फिर शहबाज खान दा कैदी पड़िया सा। जिस तरह आग ते रखिया पारा हवा हो जाता है, उसी तरह तेरे हाथा च हाथ पाण नाल इहदी सां मुक जाणगी। पर सिकारा, तेरे खजाने च किसी चीज की कोई कमी नहीं। सदका अपने हबीब दा, मैनू इन्नी को हिम्मत दे कि मैं मुकाबला जीत के अपने प्यो नू आजाद करा सका। मुकाबले तो डक रही है, चार फट चला जा ते मेरे वर्गे किसे जवान नु मैदान भेज।
जवानी ते मान ना कर हार जित रब दे हाथ चे की पता तेरी मौत मेरी तलवार दी तार ते लिखी होवे तेनु मरना नहीं चाहता खबरे क्यों मेरी आँखा तेरी जवानी नु खून च तड़फ दिया नहीं वेख सकदिया मैं तेनु जिंदगी बचाने दा एक होर मौका देना मत दा जेवर बादरीए ते रहम करना बादरा दी शान ने उठ उठ फाकिया फतेह नु अपनी कामयाबी ना समझ आए बुजुर्गा हर कड़ी एक नवा इनकलाब लेके आंदी है शकल भी नहीं देख सकिया माफ करी बुजुर्गा मैं अपने प्यो जालम की कैद चो आजाद कराने लई तेरे नाल मुकाबला कर रहा वा किड्डा खुशकिस्मत ते हो जरा तेरे जे बहादुर पुत्र दा बाप भी की ना है होता उचे पिंड दा सरदार जमान मेरे सीने ना लग जा पुत्रा मैं तेरा प्यो जमान खान मेरे सीने ना लग जा बाबा बेस मक्कार दुश्मन ने पुत्र कला प्यो नु मरवा दिता है पहले असी अपनी कामयाबी का जश्न मनावांगे ते फिर इहदी मौत बनांगा इहनू ले जाओ तहखाने जाके सुट दिओ इहदे पिओ नूं जिंदा कर दिओ यह खबर पहुंचाउण दा एहसान ते तेरा असी नहीं भुला सकदे जेबो यह एहसान नहीं ਡੇਰਾ ਫਰਸੀ ਸ਼ਾਤੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜੇਬੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਜਸ਼ਨ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ Thank you.
फैसला पिंड दे जाके छोएगा। जिंदगी बख्श दियांगा, इन अपनी कैल चो आजाद कर दियांगा। हीरा, मेरे कोलो तेरा हाल बर्दाश्त नहीं हो रहा पुत्र वे। ए मां डोल गई हूं पुत्र वे, डोल गई हूं। वे पैड़ी तकदीर ने सिर पहले नंगा कर दिता सी, पर आज जे मां अपनी गोद खाली नहीं होन देगी पुत्र वे, नहीं होन देगी। मां वे चुन जो गया, तेरे बगैर सारी दुनिया अंधेर हो जाएगी। शबाज का कहना मान ले पुत्र वे, शबाज का कहना मान ले। तेरिया इस मां नु बड़िया ही लोड़ा नी पुत्र वे, बड़िया ही लोड़ा नी। नहीं मां, नहीं। तू अपनी ममता नु खुश करन लई मैनू अपने पियो दा मुजरम ना बना। जे मैं इस बेगैरत दे सामने चुक गया मां, ते लोकां ने मैनू समान दा पुत्र नहीं करना, मां समान का पुत्र नहीं करना। नहीं, नहीं पुत्र वे। मां तू मैनू जुल्म सहन दा हौसला दे। बुजदली दा सबक नहीं मां, बुजदली दा सबक नहीं। तेरी मां जो कहंदी है ओ मन क्यों नहीं लेंदा हीरिया? तेरे बनन दी हामी पहले बेचारे शहबाज खान मेरे वर्गी वोटी कितों लगनी? क्यों शहबाज खान वोटी पसंद नहीं आई? लेबो छेती दस शादो कितने जशन तो बाद तू शादो नो वोटी बनाने हवेली भेजा सी, ओनू ते उस रात ही मेरे पिंड पहुंचा दिता सी। यकीन नहीं आंदा ते उधर वे परेशान क्यों हो गया शबाज खान? मौलवी नूं निकाह पढ़ना शुरू कर दे ताकि कयामत पहले मिसाल ते बन जाए कि इस धरती ते पहन दे भरा दा वी व्याह होया सी। लेबो तू हर बार मेरे असूलां नाल टकराईए, आज तैनू तेरे सारे जुर्मां दी सजा इका वार दियांगा। जिद्दी खावन ते अखर पुत्र दी इस मूंह और मां नूं मौत दे ना के नेड़े ले जाओ ताकि इनकार करने वाली ये पुत्र की जबान एक और बदल जाए। ओए मां दे सिर से खलोते मौत दे फरिश्तियां नु वेख होए जिन्हां दी अखां ना ही कुछ वेख सकदियां ने ते ना ही कान फरियाद सुन सकते ने। हुण तेरी मां दी जिंदगी ते मौत दे दरमियान चंद कदमां दा फासला ही ते फैसला हुण तेरे हाथ है।
जे मां दे नाल आप भी सिद्धा रहना चाहना है तो प्यो वाली सिद्ध नू मार दे नहीं तो तन दोवां नू जिंदा के दफन कर देंगा। ओए किन्ना बेवकूफ है तू, 20 साल तो मेरे प्यो नू मौत दे डरावे देके ओए तू जी सिद्ध नहीं तोड़ सकिया ओदा पत्थर किवें हार मान सकता है। नाले राजपूत दी सिद्ध के जिंदगी दी कोई कीमत नहीं होंदी। ओए ओए इन्हां नू सुन के मार दियो, इन्हां दी सिद्ध दे नाल इन्हां नू इत्थे दफन कर दियो। खानदान राजपूता होवे ते सारिया पुत्तिया बिल्लिया दे हत्थों जावे ए हाजिर नहीं हो सकता। समान तू हली चुने और मेरी जिंदगी ते सोने रब नु मंजूर, तू मैनु दरिया विच ते की जमीन दी तह विच भी सुट देंदा ते मैं फिर भी मौत भर के तेरे सिर से पहुंचा दे। ओए गल नहीं होए, तेरे सां कुछ इस लई वध गए ने, तैनू तो तेरे खानदान में इक ठाट दफन करना सी। मौत नू सामने देख के पौंकियां मारन लग पी। अपने सां किन्ने शुरू कर दे, राजपूत ने अपने ते कीते होए एक एक जुलम दा तेरे कोलो हिसाब ले ले। Yeah.